आपने बनाया नंदनी, आज भाजपा की सरकार कहती है नंदनी में दूध इकट्ठा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, अमूल को गुजरात से लाते हैं। लेकिन 3.5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको क्षीरा भाग्या मिला, क्षीरधारे मिला, सब्सिडी मिलती थी दूध के लिए किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर, दूध इतना इकट्ठा हो रहा था कि मुफ्त में स्कूल के बच्चों को मिल सकता था। तो अब अचानक कैसे कम हो गया, अचानक ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि ये भी झूठ है, ये जो नंदनी आपने बनाई इसको भी लूटने की कोशिश है। गुजरात से अमूल को लाएंगे, आस्ते आस्ते नंदनी को खत्म कर डालेंगे। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी उसके लिए आपके पास ना समय है और ना आपके पास पैसा है। आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहां पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। हिमाचल दे विच जिहड़ी तुहाडी सरकार है 3 रुपए प्रति लीटर डीजल पेट्रोल महंगा किया, उत्ते की कहोगे सर? हमारे सिस्टम में जो स्टेट होता है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसको हम इंडिपेंडेंस देते हैं और उस पर हम जनरली उस पर हम दबाव नहीं डालते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जब यहाँ पे पंजाब का चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनको जनरली इंडिपेंडेंस देते थे। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है, थोड़ा उनको टाइम दीजिए। पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं महंगा हो रहा है, लेकिन हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिया गया। क्या सवाल क्या? सर, डीजल आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा। और हमने कहा था भाषण में, मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। आपका कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? नहीं है, कुछ कर्जा माफ नहीं हुआ। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं और कुड़ की नीलामी करने के लिए दबाव डाल